दोस्तों सवान टन सेगमेंट में महिंद्रा की सुप्रो प्रॉफिट ट्रक मिनी आपके कमर्शियल बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा चॉइस है। दोस्तों इसमें आपको मिलता है काफ़ी शानदार केबिन, उसके साथ इसका पेलोड कैपेसिटी भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे गाड़ी के ओवरऑल डिटेल स्पेसिफिकेशन और गाड़ी के कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आपको इसी तरह का कमर्शियल गाड़ियों का वीडियो देखना पसंद है तो फिर आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के ओवरऑल लुक्स और डिजाइन के साथ। दोस्तों गाड़ी का लुक हमें काफ़ी सिमिलर लगता है महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक जैसा, जो कि हमें पहले भी देखने को मिलता था। इसमें अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। राइट साइड में हमें वही महिंद्रा का क्रोम फिनिश में बैजिंग, लेफ्ट साइड में सुप्रो प्रॉफिट ट्रक का क्रोम फिनिश में बैजिंग, सेंटर में महिंद्रा का क्रोम फिनिश में लोगो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा महिंद्रा का सिग्नेचर ग्रिल। लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है बिग साइज एल्यूमिनियम टाइप हेड लैम्प्स विथ साइड में मल्टीफंक्शन इंडिकेटर्स, और यहाँ पर आपको छोटा सा रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, मगर चाहे तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस भी दिया गया है, और यहाँ पर आपको 2 वाइपर्स भी देखने को मिल जाएगा। और साइडल व्यू की बात करें दोस्तों, साइड में आपको यहाँ पर दोनों साइड डोर में आपको मिनी का स्टिकर इमेजिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बॉल टाइप टर्न इंडिकेटर्स। चले दोस्तों देखते हैं इसका रियर का भी। मैं आपको महिंद्रा का यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा दोस्तों बैजिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिलता है, और हाथ में विजिबिलिटी भी हेलने के लिए यहाँ पर 2 बॉल्स भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसका स्पेयर टायर। लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आप महिंद्रा का वही पुराना वाला दोस्तों टेल लाइट्स देखने को मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों गाड़ी का लोडिंग कैपेसिटी के बारे में। इसका दोस्तों पेलोड कैपेसिटी है 900 kg, और इसका कार्गो बॉडी का डायमेंशन की बात करें दोस्तों, इसका कार्गो बॉडी का लंबाई आपको मिलता है 7 फीट 5 इंच का, चौड़ाई आपको मिलता है 5 फीट का, और इसका ऊंचाई है 1 फीट का। और राइट साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका डीजल टैंक, जिसका कैपेसिटी है दोस्तों 30 लीटर्स। इंजन की बात करें दोस्तों, इसमें लगाया गया है महिंद्रा का डायरेक्ट इंजेक्शन DI इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 909 cc, जो कि मैक्सिमम 26 HP का पावर जनरेट करता है 3600 RPM तक, और इसमें आपको मिलता है 55 Nm का टॉर्क, जो कि 1800 से 2200 RPM तक टॉर्क इसमें जनरेट करता है। माइलेज की बात करें दोस्तों, कंपनी इसका माइलेज क्लेम करता है 23.30 km/L, मगर इसका एवरेज माइलेज आपको आराम से 21 से 22 km/L तक मिल जाएगा। तो दोस्तों माइलेज भारी करता है आपके ड्राइविंग और रोड की कंडीशन के ऊपर। इसमें दोस्तों आपको मिलता है 13 इंच का टायर्स। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 लीफ स्प्रिंग, जबकि पीछे आपको मिलता है 7 लीफ स्प्रिंग। फ्रंट में आपको दोस्तों इसमें मिलता है पैरालल स्प्रिंग, जबकि पीछे आपको मिलता है सेमी लेटरल स्प्रिंग्स। फ्रंट में आपको मिलेगा इसमें डिस्क ब्रेक, जबकि पीछे दोस्तों आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक्स। और दोस्तों गाड़ी के कुछ टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो दोस्तों, इसका जो व्हील बेस है वो है 1950 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग के बारे में। अभी दोस्तों इसका एक्सोरूम प्राइस शुरू होता है 6,49,000 rupees से। ये था दोस्तों गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर का व्यू। चलिए दोस्तों देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर। तो कोपल साइड डोर को ओपन करते ही यहाँ पर हमें डुअल टोन कलर में दोस्तों देखने को मिल जाता है इसका बहुत ही शानदार डैशबोर्ड, जिसमें आपको बहुत सारे स्टोरेज भी प्रोवाइड किया गया है। और तो यदि आप जरूरी सामान रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर लॉकेबल ग्लोव बॉक्स भी दोस्तों दिया गया है। इसका जो को पायलट साइज सीट है वो काफ़ी वाइडर है और बहुत ही कंफर्टेबल है। लेगरूम दोस्तों इसमें आपको काफ़ी कमाल का मिलता है। आप अपने जरूरी सामान इसका लॉकेबल ग्लोव बॉक्स में आराम से रख पाएंगे। ऊपर भी आपको भरपूर स्टोरेज ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों इसका 4x स्विच, मोबाइल चार्ज करने के लिए इसमें आपको 12 वोल्ट का मोबाइल सॉकेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको मिस्टोन लगाने के लिए भी स्पेस दिया गया है। दोस्तों इसका जो ट्रांसमिशन है वो है 4 स्पीड, इसमें आपको मिलता है 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर, और नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर 2 बोतल होल्डर्स भी देखने को मिल जाता है। 2 जनरेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको ये और एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो है दोस्तों 2 मोड ऑप्शन। इसमें आपको मिलता है पावर मोड और इको मोड का स्विच, जो कि आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देने में मदद करता है। जब दोस्तों गाड़ी में ज़्यादा लोड नहीं होगा तब आप गाड़ी को इको मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, और जब दोस्तों आप गाड़ी को कोई ढलान या फिर पहाड़ी रास्तों पर चलाएंगे, जब गाड़ी के इंजन को ज़्यादा रफ्तार की ज़रूरत पड़ेगा तब दोस्तों आप पावर मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है इसका सेंटर मिरर, और उसके साथ रात में अच्छा विजिबिलिटी पाने के लिए इसमें आपको बॉल टाइप रीडिंग लाइट भी प्रोवाइड किया गया है।
इसमें सिर्फ ड्राइवर साइड में ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इसका सन वाइजर। ड्राइवर सीट दोस्तों इसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका हैंड ब्रेक, सीट बेल्ट। हाँ दोस्तों, मेरा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक मिनी का डिटेल व्यू करता हूँ। दोस्तों मैंने सभी पॉइंट्स को कवर किया होगा, यदि आपको लगता है मैंने कुछ पॉइंट्स को मिस कर दिया है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपका क्वेरी को आंसर देने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस गाड़ी के देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट से बताना ना भूलें। तो चलिए तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।